पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश का असर अब मैदानी भागों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसके साथ ही लोगों की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी हैं। और इन सब के बीच में हम इस वक्त धर्मनगरी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और बाढ़ की वजह से यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसके साथ ही जो दशाश्वमेध घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी अब गंगा के आगोश में जाती हुई दिख रही है, धीरे धीरे जाने लगी है। जो गंगा का आंचल है वो अब इन घाटों को समेटते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो धड़कने हैं, जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ने लगी है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और फिलहाल अभी लगभग 7 से 8 जो सीढ़ियां हैं घाट किनारे की वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। और यही ये सिलसिला यही तक नहीं थमा है बल्कि जो घाट किनारे जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो भी अब धीरे धीरे पानी में समाहित होते जा रहे हैं। हमारे ठीक सामने देखिए एक बजरंगबली का छोटा सा मंदिर है और वो मंदिर भी अब पानी में धीरे धीरे आगोश पानी के आगोश में जाता जा रहा है, समाहित होता जा रहा है। तो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से जो नाविक समाज के लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ेगा नाव संचालन पर एक तरीके से प्रतिबंध लगना शुरू हो जाएगा और शायद यही कारण है कि अब जबकि जलस्तर में बढ़ना वृद्धि शुरू हो गई है जो छोटी बड़ी नावें हैं एक तरीके से वो अब धीरे धीरे खामोश है। तस्वीरें देखिए कि आप दशाश्वमेध घाट के सामने बहुत सारी जो छोटे बड़े नाव हैं वो एक तरीके से बंधे हुए हैं। हालांकि दोपहर का वक्त है लेकिन शाम के वक्त में ये जरूर चलेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन यानी अगले 4 से 5 दिनों के अंदर नाव संचालन पर भी रोक लग सकता है। इसके साथ ही जो गंगा घाटों का जो संपर्क है वो भी टूट सकता है। तो आने वाले दिन काशीवासियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। न सिर्फ काशीवासी बल्कि बनारस के आसपास के जो जिले हैं मतलब गाजीपुर, बलिया, इन सभी इलाकों में जो गंगा का जल स्तर है वहां पर तेजी से एक तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही है जिससे जो बाढ़ का खतरा है वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? गंगा का जलस्तर अभी लगभग कल से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी जो आज थोड़ी कम हुई है, बट गंगा का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी कितनी सीढ़ियां डूबी है और क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग कि आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति हो सकती है? अभी तो जैसे देखा जाए तो 8 से 10 सीढ़ी डूब चुकी है और आगे जैसे लोगों को पता ही है कि बरसात आने वाला है तो हर साल की अपेक्षा जैसे पानी जाता है तो सबसे डेली तो पानी इस पर भी जाएगा। तो आप लोग की जो मुश्किलें हैं वो कहा जाता है कि बढ़ जाती है क्योंकि अगर बाढ़ आता है तो पूरी तरीके से जो नौका का संचालन हो जाता है वो ठप हो जाता है और 2 से 3 महीने तक ये सिलसिला रहता है। जैसे बाढ़ आने के बाद 2-3 महीने नाव वगैरह बंद हो जाती है तो उसमें बहुत सी परेशानियां होती हैं। जैसे घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की फीस जमा करने में दिक्कत होती है, यदि कोई बीमार हो गया उनके इलाज करने में बहुत सी दिक्कत होती है। और जैसे 2 महीने में जो नावें बंद होती है तो उसमें प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को मतलब हेल्प नहीं किया जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं जो फिलहाल जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है? गंगा का जलस्तर तो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो कंटिन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऐसे घाटों का संपर्क अभी तो खुला हुआ है, आने वाले समय में लगता है कुछ दिनों में हमको लगता है धीरे धीरे घाटों का संपर्क टूटता चला जाएगा। फिर तो आप लोग की जो आजीविका है वो बहुत प्रभावित होगी क्योंकि नावों का संचालन है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, पानी बढ़ता है तो ऐसे ही ठप हो जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सरकार हम लोग की कोई मदद करेगी लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग के लिए कोई नहीं आता है। ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ा? अभी फिलहाल तो 4 दिन पहले गंगा का जलस्तर एकदम 5 दिन पहले एकदम बढ़िया था, अपने स्थान पे गंगा माँ थी और कुछ हफ्ता भर में एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 5 दिन से गंगा का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रहा है और देखा जाए तो 8 से 10 सीढ़ी पानी आ गया है और उससे लगभग 6 से 7 फुट पानी तो आया है और उस हिसाब से देखा इसी प्रकार पानी का वृद्धि होता रहा तो गंगा आरती जो होता है वो गंगा आरती फिर अपने स्थान से दूसरी जगह होगा, जैसे ऊपर होता है छत वगैरह बालकनी पे वहाँ पे गंगा आरती होता है जब पानी बढ़ जाता है और इस तरह सभी मंदिर वगैरह भी डूब रहे हैं। गंगा घाट किनारे मंदिर थे,
छोटे छोटे जो मंदिर थे सीढ़ियों के पास, अब वो भी धीरे धीरे। तो ऐसे भी तो फिर आप लोग का भी जो आसन है उसे भी हटाना पड़ेगा, आगे चौकियां जो है बदलनी पड़ेगी। जी जी, हम लोग का जो स्थान है वो अपने स्थान, जब पानी आ जाता है तो अपने आगे वाले आगे चले जाते हैं, पीछे वाले आगे आते हैं, इस हिसाब से हम लोग का स्थान भी सारा चीजें सिस्टम वगैरह सारा ऊपर चीजें शिफ्ट करना पड़ता है।